हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप लोग की जो 48 वैकेंसी निकली हुई थी, इसके नोटिस के बारे में मैंने आप लोग को अवगत कराया था आज से 2 दिन पहले, जी हाँ, लेकिन वो डिटेल नोटिस नहीं था। और जो इसका डिटेल नोटिस है, इसकी वेबसाइट पे आ चुका है, तो इसके डिटेल नोटिस के बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस मांगी गई है, और इसके अलावा जो क्या आप लोगों की एज इसमें रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली, पूरी जानकारी मैं अब आप लोग को इसमें डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, जी हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट का लिंक आप लोग को दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग जैसे ही ऊपर आएंगे, जॉब वाले सेक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। इससे पहले जो ये नोटिस था, इसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, जी हाँ, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली उसकी जानकारी थी। बट अब मैं आज आप लोग को जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री जो स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर आती है आप लोग की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ठीक है। तो ड्यू टू पैनेमिक सिचुएशन सेपरेट जो कोरोना वायरस 19 लॉकडाउन एवरी कंट्री इन ऑनलाइन, इसमें तो ये जो आप लोग की तत्काल में जो इसकी वैकेंसी भरी जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास इसमें यहाँ पे आप लोग को जो ऑनलाइन अप्लाई, जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई जो आप लोग के होने वाले हैं वो 5 मई 2020 से होने वाले हैं, और जो लास्ट डेट आप लोग की रहेगी ये 25 मई 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी, और ऑनलाइन ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई इसमें आप किसी प्रकार से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो आप लोग की साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, जी हाँ, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। इसमें आप लोग की 13 पोस्ट है, और इसमें आप लोग पीडब्ल्यूडी वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसकी है वो 35 ईयर, जी हाँ, मैक्सिमम जो है इसमें 35 साल आप लोग की मैक्सिमम एज दी गई है। और जो इसके अंतर्गत एक्स क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए, बी आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पे, और सिविल में, मैकेनिकल में, एनवायरमेंटल में, ठीक है, मैकेनिकल वगैरह में आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें 2 पोस्ट है आप लोग की, इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम एज है आप लोग की वो 30 साल मांगी गई है, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है डिग्री इन साइंस, मीन्स यदि आप लोग के पास बीएससी है और आप लोग के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है लाइन का, और आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा इन पोल्यूशन कंट्रोल टू रिलेटेड सब्जेक्ट में है, यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस तो आप लोग प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें डिजायरेबल आप लोग के लिए मांगा गया है मास्टर डिग्री, यानी कि यदि आप लोगों ने एमएससी कर रखी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें आप लोग की जो 6 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट में आप लोग के पास होना चाहिए, 4 पोस्ट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक में है आप लोग, तो 1 पोस्ट है डिप्लोमा इन मैकेनिकल में है, तो आप लोग के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें डिजायरेबल मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड, तो यदि आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है इस रिलेटेड फील्ड में तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप लोग की 2 पोस्ट है यहाँ पे। एज इसमें रखी गई आप लोग की 18 से 25 साल, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया 12th आप लोग पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास जो स्पीड होनी चाहिए नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क के लिए, तो ये है आप लोग का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन की, तो इसमें आप लोग की 2 वैकेंसी है अनरिजर्व, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया, यदि आप लोग 10th पास है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग के पास ITI मैकेनिकल ट्रेड में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास 3 ईयर एक्सपीरियंस सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूटेड, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग को एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो 7 पोस्ट है आप लोग के पास, और इसमें जो 18 से 25 साल आप लोग की एज रहनी चाहिए। एज में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो आप लोग को जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल 5 साल का आप लोग यहाँ पे छूट मिलने वाला है, और ये जनरल की आप लोग की एज है 18 से 25 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगी गई है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास होने चाहिए आप लोग विद साइंस, यानी कि आप लोग के पास 12th में साइंस होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग पास होने चाहिए, और डिजायरेबल इसमें मांगा गया डिग्री इन साइंस प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यदि आप लोग ने बीएससी कर रखा है तो आप लोग बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैसे इसके अंदर क्वालिफिकेशन आप लोग की इंटर मांगी गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसमें 13 पोस्ट है, जी हाँ, 13 पोस्ट है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व सभी के लिए इसमें वैकेंसी है।
और इसमें जो आप लोगों को एज मांगी गई है 18 से 25 साल मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें जो मांगा गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बीए बीएससी बीकॉम होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आप लोग के पास होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 25 पर मिनट वर्ड मिनट आप लोग की हिंदी, तो टाइपिंग तो खास नहीं है बट लेकिन जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोग की डिग्री मांगी गई, मीन्स आप लोग के पास बीए बीएससी बीकॉम होनी चाहिए यदि आप लोग एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आप लोग की अटेंडेंट एमटीएस की पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है ओनली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जी हाँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल एससी एसटी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो एज मांगी गई है 18 से 25 साल मांगी गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें मांगेगा, 8 पास आप लोग हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने डिजायरेबल दिया है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मटेरियल। आप लोग 10th पास हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जो सेकंड है ट्रेनिंग इन बेसिक ऑफ रिफ्रेश कोर्स ऑफ होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, मीन्स ट्रेनिंग इन बेसिक ऑफ रिफ्रेश कोर्स ऑफ होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस की आप लोग ने ट्रेनिंग कर रखी हो तो बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए रहने वाला है, नहीं तो इसमें जो आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ओनली 10th वरना इसमें जो आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी गई है ओनली और ओनली 8th मांगी गई है। इसके अलावा कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं आप लोग को, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई आप लोग की फीस लगने वाली नहीं है। और कैंडिडेट के पास जो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, रिटन टेस्ट के समय आप लोग के पास। इसके अलावा आप लोग के पास सिलेक्टेड कैंडिडेट एनी आप लोग जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ऑल ओवर इंडिया आप लोग को कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग की पोस्टिंग भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकती है। और इसके अलावा एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी, इसमें आप लोग को कोई सर्टिफिकेट की कोई स्कैन कॉपी अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। और आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन तो सबमिट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लोग जो है रेगुलरली इनकी वेबसाइट पे स्टेटस चेक करते रहेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन आर एडवाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग प्रोसेस, आप लोग अप्लाई करने से पहले अपनी जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक कर लें कि आप लोगों ने जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं। और एप्लीकेशन वंस सबमिट, यदि आप लोग एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर देते हैं तो दोबारा आप लोग को इसमें चेंजेस करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा द पर्सन अप्लाइंग फॉर द मोस्ट मोर वन देन वन पोस्ट, मीन्स आप लोग कई पोस्टों के लिए वन से एक से अधिक पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट एप्लीकेशन एनी टाइम अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसके अलावा इसमें अभी और कुछ नीचे नहीं दे रखा, चलिए मैं आप लोग को नीचे दिखाता हूँ। इन केस ऑफ इमीडिएट मिस्टेक ऑफ प्रोसेस द रिलैक्सेशन, तो जैसा आप लोग को मैंने बताया था रिजर्वेशन में, मीन्स आप लोग यदि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप लोग को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आप लोग को मिलने वाला है। और इसके अलावा जो द पर्सन डिग्री जो आप लोग की डिजेबिलिटी दी हुई है 40% एवम एंड डिजेबिलिटी अप्लाइंग फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, तो ये आप लोग की डिजेबिलिटी दी हुई है। इसके अलावा यदि आप लोग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑल अपॉइंटमेंट सिर्फ भी, इसके अलावा इसमें आप लोग को कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे मैं आप लोग को और दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ऑफ एड्रेस अप्लाइंग सेल हैव यू प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे और कोई डीएटीए आप लोग को नहीं दिया जाएगा। रिटेन एग्जाम स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यू किसी भी चीज के लिए आप लोग को डीएटीए प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। और सभी पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट भी है, कुछ पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट स्किल और ओनली रिटन टेस्ट है, कुछ पोस्टों के लिए आप लोग का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, तो जैसा आप लोग का प्रोसेस होगा उस हिसाब से आप लोग को बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट आप लोग के सभी के होने वाले हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आप लोग को कुछ स्पेशल नहीं दिया, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग इसमें पढ़ लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अनलेस गुड ए कैंडिडेट एडमिशन रिटन टेस्ट, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया है कैंडिडेट एडमिशन को रिटन टेस्ट ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू सबमिट प्रोसेस स्ट्रिक्टली प्रोविजनली, आप लोग को सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लेके जाने हैं। इसके अलावा इंश्योर सबमिट, ठीक है, लिंक आप लोग को दे दिया गया, यहीं पे आप लोग की जो है ऑनलाइन अप्लाई किया लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 5 तारीख से, तो जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना सिखा दूंगा, यदि आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है।
इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, एक बार आप लोग और चेक कर लीजिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें जो आप लोग की कोई भी फीस नहीं लगने वाली, जी हाँ फ्री है आप लोग, और इसमें आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग पूरी जानकारी दे दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज मैं आप लोग लेके आऊँ तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।